वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइबर्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हेल्थ पर्पस के लिए भी और एग्जाम पर्पस के लिए भी। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स और डॉक्टर के कन्वर्सेशन कभी सुनी है। तो डॉक्टर्स जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको कहा जाता है कि आप फाइबर्स कंज्यूम करिए, जो आपके जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, उन्हें कहा जाता है कि आप फाइबर्स अपने डाइट में लेना स्टार्ट करिए, या जिन्हें अपना वेट लूज करना होता है लोगों को, उन्हें कहा जाता है फाइबर्स कंज्यूम करने के लिए। तो एक बहुत ज्यादा इसका यूज है हमारे हेल्थ पर्पस के लिए भी, और अगर हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो है हमारे फाइबर्स जो हम लेते हैं। जो फाइबर्स है न्यूट्रिशन में, ये ऑलमोस्ट आपके जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल एंजाइम है हमारे पास जो डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो फाइबर्स है हमारे, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस एंजाइम्स कलेक्टिवली। जो हमारे एंजाइम्स है कलेक्टिवली भी मिला के उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब बचपन में जब हम थे तो कागज खाते थे हम, कॉपी में से फाड़ के, कभी कॉर्नर से फाड़ लिया, कागज खाते थे और वो सेल्यूलोज का बना होता था। तो हम कागज खा तो लेते थे, लेकिन अब जब यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल्यूलोज का बना हुआ है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता था, गल जाता था, कुछ इस तरह का काम होता था और वो हमारे एक्सक्रीटा के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता था। तो वो सेल्यूलोज ही था जो हम कागज खाते थे, अब भी कई बार खा लेते हैं बचपन में या कभी कुछ होता है। तो इट इज रेफर्ड एज डाइटरी फाइबर्स। जो ये फाइबर्स है इन्हें डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है। अब डाइटरी फाइबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले फाइबर्स पता होना चाहिए आपको कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमंस एंजाइम कलेक्टिवली उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ इंटेस्टाइनल में जो हमारे बैक्टीरिया फ्लोरा होता है वहां कुछ इंटेस्टाइनल में बैक्टीरियल एंजाइम है जो कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जो डाइजेस्ट होता है वो आपके सोल्यूबल फाइबर होते हैं। तो सोल्यूबल फाइबर से आपको एक बात समझ में आ रही है, ये सोल्यूबल होंगे वाटर में, लेकिन सोल्यूबल है लेकिन ये गम बना देते हैं या जेल बना देते हैं, यानी जो विस्कस एक सॉल्यूशन बन जाता है सोल्यूबल होने के बाद। तो ये एक पैरामीटर है इसका, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जेल बन जाता है। अब मिलता कहाँ है ये सोल्यूबल फाइबर्स, हमें मिलते कहाँ है? लेग्यूम्स और फ्रूट्स में। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि सोल्यूबल और इन सोल्यूबल फाइबर्स के जो सोर्स है वो दोनों ही आपके बिल्कुल अलग हैं। यहां पर आप देखेंगे सोल्यूबल जो आपके फाइबर्स हैं आपको लेग्यूम्स और फ्रूट्स में मिल रहा है, वहां आपको वेजिटेबल्स और ग्रेन्स में मिल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सोर्स अलग है, यहां पर डिसॉल्व हो रहा है वाटर में और आपको जेल मिल रहा है। यहां पर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, आप जब इन सोल्यूबल फाइबर को डालते हैं तो वो स्वेल अप कर जाता है, यानी आपका जो एक आप इसब गोल लेते हैं वो आपका इसी फिनोमिना पर बेस है। कॉन्स्टिपेशन में जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, इसब गोल हस्क दी जाते हैं या सीड दिए जाते हैं, तो आपका इसी के ऊपर बेस है कि वो वाटर में जाते ही अपने से आपका 4-5 गुना 6 गुना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल हो जाता है। इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर होता है उसको हम देखेंगे। जो एक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना और स्वेल अप करना इसब गोल का भी, वो आपका यही है, यही है उसका एक्शन है। तो ये आपको वेजिटेबल्स और ग्रेन से मिलता है। ये जब हम आप इसे पानी में डालते हैं, इस टाइप को हम लैब में भी कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेक्टिन को लेकर ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जेल बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर ये स्वेल अप हो जाता है। तो कौन से आपके कंपाउंड्स हैं, यहां पर हमने देखा पेक्टिन है, जेल है, म्यूसिलेज है, ये है। यहां पर क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। हम जानते हैं कि प्लांट के पार्ट है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोर और लिग्निन, और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो हम इन्हें तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक ये आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं, इंटरसेल्यूलर बैक्टीरिया इन्हें डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पेक्टिन्स और गम को। हमारे जो हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर दोनों ही आपके जो फाइबर्स है वो इंक्लूड होते हैं जो डाइट लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। इस सब गोल का आपका ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप जनरल लाइफ में एज एन मेडिसिन और हर्ब उसको यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं
फायदे क्या है, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अब उसका फायदा हम समझेंगे। सबसे पहले प्रिवेंट कंस्टिपेशन एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट, कंस्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि यहां पर आपने देखा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, स्वेल अप हो रहा है, स्वेल अप हो रहा है मतलब कि एक तरह से स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है वो, और जब वो फूलता है तो आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो आपकी जो है फैसिलिटेट हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिलती है। तो ये एक मेन रोल है, और इसब गोल का एग्जांपल देखा हमने कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, एलिमिनेट बैक्टीरियल टॉक्सिंस। अब हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है जो कुछ टॉक्सिंस भी प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम फाइबर्स नहीं लेंगे डाइट में तो वो टॉक्सिंस हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है हमारे जो टॉक्सिंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फाइबर क्या करते हैं, ये उन टॉक्सिंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये एक्सपल्शन कर देते हैं उन टॉक्सिंस का अपने साथ एब्जॉर्ब करके। कई केसेस ऐसे भी हैं पॉइजनिंग के जहां पर हम फाइबर देके उसको एब्जॉर्ब करा के निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर जो एलिमिनेट बैक्टीरियल टॉक्सिंस है ये हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होने वाले ही हैं। हम एक्सटर्नल जो बाहर से पॉइजनिंग केस होते हैं कुछ केसेस में यूज कर सकते हैं फाइबर्स का ताकि पॉइजन जो लिया है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए, लेकिन उसमें जो एक मेन रीजन होता है वो आपका टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम पहले पॉइजन लिया है। अगर वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो गया तो आपका यहां पर कोई काम नहीं देगा आपका फाइबर, तो ये बात एक इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, डिक्रीज जीआईटी कैंसर। जो वेजिटेरियन पीपल हैं उनमें ये एक बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जो आपका कोलोन कैंसर होता है उसको इंसिडेंस को बहुत कम कर देता है, क्योंकि टॉक्सिंस रिमूव हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है आपको, यानी बिल्कुल एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाता है आपके स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन को। तो जो आपका कोलोन कैंसर का जो एक इंसिडेंस होता है वो कम होता है इन केस ऑफ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में वो केसेस ज्यादा होते हैं। तो वेजिटेरियन को हमेशा ये एक फायदा रहता है कि लो इंसिडेंस होता है उनके साथ कोलोन कैंसर का, तो वेजिटेरियन पीपल के लिए ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट, इंप्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस। क्यों इंप्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस क्यों होता है, क्योंकि अब मान लेते हैं आपने कार्बोहाइड्रेट लिया उसके साथ कुछ फाइबर्स लिए, अब जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये उसके रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत धीरे धीरे करके बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता है। यही होता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि आप फाइबर साथ में लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उनके लिए। जैसे एक और केस भी होता है यहाँ पर, कुछ लोग क्या करते हैं जो फाइबर्स आपके फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनका जूस पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि लिक्विड है आपका जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहां पर ग्लूकोज लेवल जो है एकदम बढ़ जाता है। लेकिन उसे नेचुरल सोर्स में जो आपका सॉलिड फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में वेजिटेबल है या जिसे हम कह देते हैं कच्चा फल जो होता है, जूस नहीं, जो सिंपल आप कट करके खाते हैं सैलड फॉर्म में फ्रूट फॉर्म में, वो आपके लिए एक ज्यादा इफेक्टिव चीज होती है। तो डिमिनिश करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होना है वहां पर जाकर जो है ये आपका काम करता है और कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको उसके रेट को कम कर देता है। इसलिए इसका यूज जो है आपका डायबिटीज के पेशेंट्स को करने के लिए कहा जाता है, खाने के लिए उन्हें कहा जाता है। एक और तरीके से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट में ये और कैसे हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो बहुत सारी डिजीज होती हैं, हार्ट डिजीज होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे डिक्रीज हो करते हैं, ये जो है हमें पता लग गया कि इंटेस्टाइन में काम करने वाले हैं आपके आपके जो फाइबर्स हैं, चाहे वो आपका कॉन्स्टिपेशन में बाउल की मूवमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, चाहे आपका एब्जॉर्प्शन जो था एब्जॉर्प्शन रेट था कार्बोहाइड्रेट का इंटेस्टाइन में वो कम कर रहे हो, या फिर आपका जो कोलोन कैंसर है जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट है उसे उसके इंसिडेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हो। अब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है यहां पर ये डिक्रीज करते हैं ऑब्जेक्शन कोलेस्ट्रॉल का, और ये बात मैं बता दूं ये आपका एक नेचुरल फिनोमेना है फाइबर से। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी हैं जो इसी मैकेनिज्म से काम करती है कि कार्ब जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देती है, तो क्यों ना हम नेचुरली जो हमारे पास चीजें प्रेजेंट हैं
उसका यूज किया जाए, ड्रग्स का यूज अवॉइड किया जा सकता है अगर हम डाइट में जिन्हें कोलेस्ट्रोल है या हाई बीपी रहता है कोलेस्ट्रोल की वजह से, वो अगर फाइबर्स का कंजप्शन स्टार्ट कर दें अपने डाइट में। नॉर्मली 30-40 ग्राम कुछ फाइबर्स बताया जाता है डाइटरी अलाउंस यानी डेली का, तो उस ड्रग्स लेने से हम बच सकते हैं। बहुत सारी ड्रग्स आती हैं फिबोक्सोस्टैट वगैरह, तो वो कम कर देती हैं। एक और भी है जो आपका फाइबर्स होते हैं ये कोलेस्ट्रोल को डिग्रेड कर देते हैं, किसमें, बाइल साल्ट्स में। तो आपको कोलेस्ट्रोल इस तरीके से भी कम हो जाता है और बाइल आपका एक्सक्लूड हो जाता है, बाइल एसिड बाइल साल्ट्स ये आपके आपके बाहर निकल जाते हैं। तो डिग्रेड कोलेस्ट्रोल टू बाइल साल्ट्स, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कोलेस्ट्रोल को कम करने की, नेचुरल तरीके से किस तरह से कोलेस्ट्रोल को कम किया जा सकता है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो आपकी हेल्थ पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाई सैटी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप फाइबर्स लेते हैं तो आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती है, आपका स्टमक फुल रहता है। इसे जनरली हम हाई सैटी वैल्यू को स्टमक फुलनेस से डिफाइन करते हैं कि आपको कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक जो है भूख नहीं लगती है अगर आप फाइबर्स का कंजप्शन करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम डायबिटीज के केस में देखें। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट फाइबर्स ले रहा है तो पहली बात उसका कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन स्लो हो गया इंटेस्टाइन में, दूसरी बात जो उसका स्टमक है फुल रहेगा, उसे भूख बहुत टाइम बाद लगेगी। और यही चीज का यूज करते हैं जो न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है, जो जिम में लोग होते हैं वो इसी चीज का यूज करते हैं फाइबर्स देके, जिन्होंने वेट लूज करना होता है तो वहां पर ये हाई साइटी वैल्यू जो के जो फाइबर्स हैं उन्हें दिया जाता है, उनके जो डाइट अलाउंस है 30-40 ग्राम जो होता है वो उन्हें कंजप्शन के लिए कहा जाता है। तो उनका वेट लूज बहुत आसानी से हो जाता है और भूख कम लगती है और इनका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। हम देख चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी इसका एब्जॉर्प्शन नहीं करती है, तो वेट बढ़ने का तो कोई रीजन ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन है जो, यानी किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, तो वो भी आपका ट्रीट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट हमारे तभी आते हैं जब हम किसी चीज को एक्सेस में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें पता लग गया कि हमारे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, मैक्रो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होते हैं। अब ये इंटेस्टाइन से मूवमेंट को फास्ट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को कम कर रहा है, तो इसी तरह से हमारा कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, पोटाशियम का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और मैग्नीशियम का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। कैल्शियम बोन्स के लिए रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम जो है रिप्रोडक्शन में भी रिक्वायर्ड है और मसल फंक्शनिंग में भी रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की। और फॉस्फोरस का तो हमें पता है कि एज एन एनर्जी जो आपका एटीपी एडीपी जो आपका किडनी फंक्शंस है वहां पर फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ फ्लूटेंस एंड डिसकम्फर्ट, तो यहाँ पर एक और चीज भी ऐड हो सकती है, कोई ज्यादा ही ले तो उसे लूज मोशंस भी हो सकती हैं। तो ये आपका एक हमेशा एडवर्स इफेक्ट रहता है जब आप एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेनली जो कंज्यूम करते हैं लोग वो राइस ब्रैन करते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा है। तो इसके साथ साथ जो है कई बार आपका जो है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है जो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन मेन यही है, यही आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था आपका फाइबर्स जो कि यानी बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो है हेल्थ पर्पस के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।